राम राम जी। आज पढ़ेंगे हम ज्योमेट्री पार्ट 4। पार्ट 3 तो हो चुके हैं कंप्लीट। पार्ट 4 ठीक है ना। और आज का टॉपिक होगा अपना बहुत ही अच्छा, जहां से क्वेश्चन भी बनते हैं, पॉलीगॉन्स। इसे हिंदी बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज ठीक है ना, क्या बोलते हैं? बहुभुज ठीक। अब देखो बहुभुज, जिसकी बहुत सारी भुजाएं होंगी बहुभुज क्या लाएगा? अगर मैंने एक लाइन ले ली तो यहां पर मुझे पता है कितने डिग्री का कोण बनता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री ठीक। अब इसमें दो भुजा कोई आकृति बनी? नहीं बनी ना। तीन पे तो बन जाती है कोई आकृति ठीक है ना। और हमें पता है ये क्या हो गया, ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है इनका? 180 डिग्री। एक लाइन थी तब भी 180 डिग्री था, तीन होगी तब भी 180। इसका मतलब दो लाइन क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। जिनसे कोई एंगल मतलब बनाया जाए तब भी जोड़ कितना रहता है? 180 रहता है। जैसे मैंने लिया क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज लिया कोई ठीक है ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। अब देखो एक का होता है 180, दो का 360 हो गया, होगा कि नहीं होगा? दो फिर भी काम की नहीं है, क्लियर। अच्छा जी, तो हमने क्या सीखा, बहुभुज, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, कोणों का योग कितना होगा? जब एक भुजा थी 180, दो भुजा फिर भी, तीन भुजा फिर भी, तीन भुजा पे 180, चार होंगी तो बढ़ जाएगा ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? n माइनस 2 इंटू 180। सर जी ये कैसे? 2 क्यों बटाया? क्योंकि दो बेकार होती है, बताया था ना, क्लियर, याद भी नहीं करना। n माइनस 2 इंटू 180 क्या ऐसे बोलते हैं? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हो आप अंग्रेजी में, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स कितना होगा वो लिख रहा है ठीक है ना। अच्छा जी बात करें बाह्य कोण, मतलब बाह्य कोणों का योग ना, एक्सटीरियर एंगल, जैसे बाहुभुज के बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग कैसे निकालेंगे? बाहुभुज के बाह्य कोणों का योग निकालेंगे क्या? 360 होता है, ध्यान रखना। बाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। अब तुमसे ये भी पूछ ले कभी, बाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण, बाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, तो उसके लिए क्या करना है? 360 बटे n, जहां n क्या होगी? भुजा ठीक है ना। प्रत्येक बाह्य कोण का n, वेयर n इज इक्वल टू भुजा की संख्या, n क्या? नंबर ऑफ साइड। इसके लिए क्लियर है ना, ये तीन पॉइंट पड़ता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्लियर। एक लास्ट आता है, आप देख पा रहे हो तो सुन भी पा रहे होंगे है ना, लास्ट आता है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ठीक। विकर्णों की संख्या क्या होती है भाई? n n माइनस 3 अपॉन 2, ये होती है विकर्णों की संख्या। चार ही पॉइंट है ध्यान रखना, एक वन और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसे अगली स्लाइड में बताऊंगा। इसे नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट, जो भी आपकी मर्जी करे ठीक है ना। इसे हटा रहे, बहुभुज मतलब एक से अधिक भुजाओं की आकृति, दो से तो कोई आकृति बनती ही नहीं है, तीन से बनेगी ठीक है ना। और भाई लिंक को शेयर करा करो यार, वीडियो को फैलाया करो,
आग लगा दिया करो, आग फैला दो, ठीक है ना, तभी तो यार और औरों का भला होगा, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट जो था वो ये है, अंतःकोण प्लस बाह्यकोण, अंतःकोण प्लस बाह्यकोण कितना होगा 180 डिग्री। सर जी ये कैसे, तो देखो भाई ये कैसे, ये कोई आकृति बनाई मैंने, ठीक है ना, ये होता है बाह्यकोण, ये बाहर बना ना, ये होता है बाह्यकोण, ठीक, ये होता है बाह्यकोण। हमें पता है ये कैसा कोण है, अंतःकोण, ये अल्फा है तो ये बीटा है, इन दोनों का सम कितना होता है भाई, ये स्ट्रेट एंगल बन गया ना 180, पढ़ाया था ना, सब वही पॉइंट आएंगे निकल के, मैंने कहा था ना वही क्रांतिकारी एक तरीका था, ठीक है ना, वही पॉइंट आप पढ़ लो, एकदम जहर हो जाएगा आपका एडवांस मैथ, ठीक, इसे नोट डाउन कर लेना, अंतःकोण, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, सम कितना होता है 180, ठीक है ना, ओके, हटा दें। अब करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, अब देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करो, की संख्या ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है, विकर्णों की संख्या अष्टभुज हमने पढ़ा था, विकर्णों की संख्या निकालने के लिए n, n माइनस 3 अपॉन 2 पढ़ा था ना अभी, जस्ट n का मान कितना है, अष्टभुज है, n क्या होती है नंबर ऑफ साइड भुजाओं की संख्या, अष्टभुज में कितनी भुजाएं होंगी भाई 8, तो रख दो 8, 8 माइनस 3 ऐसे ही तो करोगे, बटे दो, दो से गया 4 बार, 5 आएगा यहाँ पर, ये कितना आएगा 5 4 5 20, क्या आंसर आ गया इसका 20, 8 में से 3 गए 5, 5 चौका 20, 2 से कट गया, ठीक है ना, कितने विकट होंगे 20। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक समषट्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करो, एक समषट्भुज, समषट्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करो, आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करो, ठीक, आंतरिक कोणों के योग के लिए हमने क्या पढ़ा है, n माइनस कितना 2 इंटू 180, n क्या नंबर ऑफ साइड, षट्भुज है तो कितनी होंगी 6, ठीक है ना, 6 माइनस 2 इंटू 180, ये कितना आ जाएगा 4, 4 गुणा 180 कितना 720, 720 अंश, ओके क्लियर ना, चिपका दो, हटा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये दे रखा है, यह दे क्वेश्चन नंबर थर्ड, यह दे, एक बहुभुज में, यदि एक बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का दोगुना है, बाह्य कोण का दोगुना है, बाह्य कोण का दोगुना है, तो बहुभुज की, बहुभुज की भुजाओं की संख्या,
भुजाओं की संख्या बताओ, संख्या बतानी है भाई, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स की साइडों की संख्या बतानी है। एक बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण, किस किस की बात करी है, इंटीरियर एंगल की, आंतरिक कोण और बाह्य कोण, बाह्य कोण दो चीजों की बात करी है। ये बोला है प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का दुगुना है। अगर बाह्य कोण एक है तो ये कितना होगा भाई, तो ये बोला है इन्होंने टोटल कितना होता है इनका आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण 180 डिग्री के बराबर, किसके 180 डिग्री के बराबर, लेकिन ये कितना हो रहा है टोटल, तीन दो एक तीन, हमने पढ़ा है 180 होता है इनका टोटल, कितने का गुणा हो रहा है ये 60 का, तो हम भी कितने का करेंगे 60 का, 60 तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, ये कितना हो जाएगा 120 का, प्रत्येक आंतरिक कोण होगा 120 का और बाह्य कोण 60 प्रत्येक। अब बतानी है भुजाओं की संख्या, तो हमने पढ़ा है भुजाओं की संख्या जब निकालनी हो तब, ये पढ़ा था हमने लास्ट से सेकंड लास्ट पॉइंट था, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर किसके 360 बट्टे n, जहां n क्या था भुजाओं की संख्या, n क्या था भुजाओं की संख्या, तो देखो बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण कितने का होता है, प्रत्येक बाह्य कोण इसे आगे ले रहे हैं, बाह्य कोण की वैल्यू हमारे पास है कितनी 60 बराबर 360 अपॉन n, n की वैल्यू निकालनी है, ये 0 से 0 कट गया 6 से 6 बार कट गया, तो क्या आ गया n बराबर 6, कितनी भुजाएं होंगी भाई 6 भुजाएं, षटभुज क्लियर है, कौन सा होगा 6 भुजाओं पर क्या होता है षटभुज, 5 पर पंचभुज, 4 पर चतुर्भुज बताइए ना, 8 पर अष्टभुज, सप्तभुज ऐसे होते हैं, ठीक है ना। बाह्य कोण का मान कितना रखा था हमने 60 बराबर 360 बट्टे n, ये तो कर रहा है 60 से 6 बार कट गया n, इधर आया गया n बराबर 6, ओके ठीक, ये दुगना था ये दुगना करा, ठीक है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगला और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक समबहुभुज की भुजाओं को ज्ञात करो, एक समबहुभुज की भुजाओं को ज्ञात करो, भुजाओं को ज्ञात करो, ज्ञात करो यदि प्रत्येक बाह्य कोण तथा आंतरिक कोण का अनुपात, यदि प्रत्येक बाह्य कोण तथा आंतरिक मतलब इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण का अनुपात, कोण का अनुपात, अनुपात 2:3 का है, 2:3 का है बताना है। देखो भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल ठीक और इंटीरियर एंगल, यही पढ़ा है ना, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, लेकिन उन्होंने रेशियो दे रखा है 2:3, कितना हो गया 5, 5 का मतलब 180, कितने का गुणा हो रहा है, कितने का गुणा हो रहा है 5 का, देख लो 15 5 के 30 36 का, तो हम भी कितने का गुणा करेंगे 36 का, ये रखा है प्रत्येक बाह्य कोण तथा आंतरिक कोण, बाह्य ये रहा बाह्य एक्सटीरियर बाह्य और ये आंतरिक इंटीरियर, 36 का गुणा कर दो 36 इधर भी 36 72 डिग्री, हमने यही क्यों लिया, इसे काय को निकालना है, हमें नंबर ऑफ साइड बताना है, नंबर ऑफ साइड क्या होता है 360 ना बटे प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है 72, 72 से ये 5 और कैंसिल आउट हो जाएगा, n बराबर 5 भुजाओं की संख्या आ गई, ठीक है ना, n बराबर 5, 5 पर कौन सा होता है पंचभुज, क्लियर है ना,
ठीक, लेकिन यार आप ये गलत काम कर रहे हो, रेस्पॉन्स बराबर नहीं आ रहा है। जितना मेहनत कर रहे हो त्याग भी तो करो, जितने व्हाट्सएप ग्रुप हो सभी में चिपका दिया करो इसको, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है ना, फेसबुक पर जहां भी आप फैला दो, दोस्तों तक पहुंचाओ यार, हमें भी तो बराबर मिले, लोग देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट में लिखो, ठीक है ना, आग लगा दो। क्वेश्चन नंबर 5, बराबर मेहनत की जाएगी, टेंशन नहीं लेने का, ऐसे करके टॉपिक क्लियर होंगे, अगला भी आएगा खतरनाक टॉपिक ही आएगा अगला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाएंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों की माप, एक चतुर्भुज के तीनों, तीन कोणों की माप, तीन है, तीन कोणों की माप क्रमशः क्रमशः कितनी है, 54°, 66°, 70° है, तो चौथे कोण की माप बतानी है, चौथे कोण की, चौथे कोण की माप हमें पता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान अभी बताया था ना, त्रिभुज के 180, चतुर्भुज का कितना 360, तो इन्हें ऐड कर लो, 54 + 66 + 70 चौथा आया हुआ है, चौथा ही तो निकालना है, उसे x मान लो, कितना होना चाहिए 360, क्लियर, ये कितना हो जाएगा 0, 6, 6, 10 की 0 हासिल 8, 6, 14 और 5, 19 + x = 360, x बराबर ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 360 - 190, तो x बराबर कितना 0, 16 में से 9 गए 7, ये कितना 170°, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, चारों कोणों का 360 होता है, तीन का इतना है, एक का निकालना तो घटा दो ऐड करके, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो पूरी देखा करो यार लास्ट तक, एक पंचभुज के प्रत्येक अंत कोण का माप कितना होता है, समबाहु बोला है, समबाहु, ठीक है ना, एक समबाहु पंचभुज, एक समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंत कोण का माप कितना होता है, प्रत्येक अंत कोण माप बतानी है हमें, बताया पंचभुज है, पंचभुज क्लियर है ना, पंचभुज की बात हो रही है, तो हमने पढ़ा है n माइनस 2 इंटू 180, ये टोटल योग होता है अंत कोणों का योग, अंत कोणों का योग यही होता है ना, n कितना 5, पंचभुज है तो 5, 5 में से 2 गए 3 इंटू 180, क्लियर है ना, ठीक, कितना हो जाएगा 540 आ गया योग, और प्रत्येक का बताना भाई, प्रत्येक का ईच एंगल सम दे रखा है, सभी एंगल कैसे होंगे समान, तो पंचभुज है तो 5 ही एंगल होंगे ना, कर दो 540 / 5, 5 एकम 5 आगे 5 × 48 108° प्रत्येक एंगल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन लेंगे अगला भी, अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 होगा अब, क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्वेश्चन नंबर 7, एक समबाहु अष्टभुज के
एक समवाहु अष्टभुज के एक समवाहु अष्टभुज के अंत प्रत्येक प्रत्येक की बात हो रही है प्रत्येक अंतकोण अंतकोण का माप कितना होगा प्रत्येक ही बताइए सम आ जाए ना सम तो ये समझो सम आ जाए अभी सम बहुज लग जाए तो वहां प्रत्येक भुजा बराबर होगी और प्रत्येक एंगल बराबर होगा ठीक है ना हमें पता है एन माइनस टू इंटू 180 होता है योग निकाल लो और जितनी भुजा हो उसका भाग करो तो सिंपल ही है ना कितना इजी अष्टभुज कितनी आठ आठ में से दोगे छह छह इंटू 180 ये क्या आ जाएगा योग आपको निकालना है प्रत्येक का मान प्रत्येक का निकालना है ना तो क्या करो इसी में भाग कर दो कितने का अष्टभुज है तो आठ का